मैं सुमित, मैं उठा हुआ हूँ जीएम के लिए, तो आगे देखते हैं होता क्या है। मैं सुधांशु सिंह, क्लास 12th ए सेक्शन ए आर्ट्स, मैं जीएम के लिए उठ रखा हूँ, मतलब हेड बॉय, और आपका संपर्क और मुझे बोर्ड से अपना जीएम बनाए, थैंक यू। मेरा नाम आरजे, मैं क्लास 12th बी सेक्शन से हूँ, और आप सबको मुझे वोट करना है, मैं हेड गर्ल के लिए उठी हुई हूँ, और मुझे वोट करना, थैंक यू। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं विजय चमोला, अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से, पहाड़ की खूबसूरत वादियों से। तो चलते हैं, ब्लॉग करते हैं शुरू, और ब्लॉग होने वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो मैं हूं अपने इंटर कॉलेज में, और ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हमारे इंटर कॉलेज में होने वाले हैं जीएम के चुनाव, और क्या आपके स्कूल में भी होते हैं जीएम के चुनाव, और आपने भी लड़े हैं तो जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो जो ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा है एक पोस्टर, तो एक है सुमित और इधर सुधांशु सिंह, तो दो ने नॉमिनेशन किए, और ये जा रहे हैं सभी छात्रों से अपने अपने वादे पूरे करने की, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो होने वाला है जीएम का चुनाव, तो देखते हैं, चलते हैं ब्लॉग के कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज क्या हुआ जीएम का प्रचार के दौरान। तो किसने क्या वादे किए और कौन बनेगा जीएम, तो ये सोमवार को डिसाइड होगा, लेकिन आज क्या क्या हुआ, तो चलते हैं ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, दिखाता हूँ मैं क्या क्या हुआ ब्लॉग। ये है सुमित भैया, सुमित भैया लड़ रहे हैं क्या चुनाव, जीएम जीएम है ना, तो जीएम का क्या लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो कौन कौन से चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन दो बच्चे, अरे एक सुमित भैया है और एक कौन है, आरजू दीदी, और कौन है, सुधांशु भैया, तो ये है आरजू है ना, और वो है सुमित। तो सुमित नाइन्थ में कैंपेन कर रहा भाई, तो वोट तो गुप्त होगा है ना भाई, तो सुना जाएगा किसके बारे में, क्या बोल रहे सुमित भैया है ना, बोलो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से मतलब तुम मुझे देना वोट, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो मतलब स्कूल के लिए जीएम के बच्चे तुम्हें बढ़िया लगता है उसे वोट देना। अगर स्कूल में किसी चीज़ की भी परेशानी होगी, या किसी भी जो मतलब पढ़ाई से रिलेटिव या किसी भी रिलेटिव कुछ भी परेशानी होगी वो तुम मुझे बता सकते, अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं प्रिंसिपल सर को बोल के वो चीज़ मतलब तुम्हें दिलवाऊँगा। और तो ये है आरजू है, क्लास 12th बी साइंस ग्रुप की है ना, सर। हाँ, तो आरजू बोल। मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम आरजू है, और आप सभी को जैसे पता है कि मंडे को वोटिंग होने वाली है हेड गर्ल के लिए, तो आपको वोट करना है, और मैं उठी हुई हूँ हेड गर्ल के लिए, तो आपको वोट करना है, और आपको इतनी समझ होगी कौन सी है कौन नहीं है, और आप हमसे सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, फिर हम कंसर्न करेंगे, अगर हमसे नहीं पाएगा तो हम टीचर को बताएंगे, आप अपनी सारी प्रॉब्लम से शेयर कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। जीएम का चुनाव होने वाला है, yes, sir. Yes, sir. तो कौन कौन उठे हुए हैं खड़े, अच्छा, और तुम किसको वोट कर रहे हो, यहाँ पे क्लास के लिए अगर कुछ भी सामान चाहिए वो हमसे ले सकते हैं, हमें बोल सकते हैं आप, ये डस्टबिन या डस्टर मार्कर वगैरह शॉप कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें बोल सकते हो, बोल दो जी, तो हम दिलवा देंगे, पहले वोट करो तभी तो होगा, ये फ्रूटी वाला मेन बात है कि तुम वोट दो, मतलब तुम्हारा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारा भला कर पाए, मतलब अच्छा कर पाए उसको दो वोट, ऐसे नहीं कि भाई हाँ भाई समोसे फ्रूटी थी खा ले पचा ले हो गया, नहीं, जो वोट देगा वो करेगा भी काम, तो मतलब 20 वो बनेंगे हमारे वॉलंटियर एक क्लास में, जो मतलब
क्लास को स्वस्थ से लेकर बच्चे से लेकर हर एक काम क्लास के लड़के क्लास में 20 वॉलंटियर का क्या काम, वहाँ चार का भी तो काम नहीं करता है, पूरे स्कूल में से 20 तो नहीं लेगा, पूरे स्कूल में हो सकते हैं एक क्लास में दो, एक क्लास में दो ले सकते हैं, किसी की तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब तुम अपना तुम डिसाइड करना, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है कि मुझे देना है, इसे ठीक है, तुम्हें बढ़िया लगता है उसको देना बोर्ड, ठीक है, कोई बोर्ड सब कुछ दे रहे पंखे भी हैं, पंखे भी लगा वगैरह के, मतलब मतलब इस गेम मतलब वो आइए तो मैं पास होने के दे रहा हूँ, दो पीरियड में गेम खेल के क्या करोगे, शाम को तुम डर जाते हो, दो पीरियड पढ़ लेना उससे बढ़िया, जो तुमने फील्ड में खेला वो स्कूल में खेलोगे क्या, अच्छी बात है ना, घर जाओगे तो पढ़ोगे तो बिल्कुल जाएंगे, बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे, इसलिए मत करके दो पीरियड तुम्हारी गेम। मैं सुमित, मैं उठा हुआ हूं जीएम के लिए, तो आगे देखते हैं होता क्या है। छोटी आगे सोनी स्पीच, कौन दे रहा है भाई इसको वोट, पक्का पक्का कौन कौन दे रहा है भाई वोट, देख सकते हमारा, ये तो सही है, झूठी बात है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा सेविंग और एट प्लस क्या है, तुम्हारा गेम्स है, अभी हमने प्रिंसिपल सर से बात की, तुम्हें ये पता चल सकता है, पूछ सकते हो तुम्हें भी, और तुम्हारी क्लास में जो भी गलती ब्रेंच से लेकर छोटे से स्टूल से कुछ भी डस्टबिन ये सब चेंज हो गए, किसको देगा ना वोट छोटे, ठीक है, अब तुम्हारा इसी तरह तुम दे सकते हो, तो ये कौन सी क्लास है, पहले थर्ड क्लास, कौन कौन दे रहा है मोंटी को वोट, हाथ खड़े करो, हाथ सुनो, आप एक बात ठीक है तुम्हारे लिए, भाई ये सब झूठ है, इतने सारे बच्चे इतने सारे हैं स्टूडेंट हमारे जैसे, इतना सारा ख्याल लेंगे तो इंसान गरीब हो जाएगा, तुम्हारे लिए हमने 7th 8th ग्रेड गेम रख लिखे हैं, है मुझे तुम्हें, ठीक है, और तुम्हारे क्लास में ये निकला है मोंटी का सपोर्टर, अरे मोंटी का सपोर्टर तेरे सपोर्टर है, बहुत बड़ा फैन, तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों से एक, तुम्हारे लिए मैंने टॉप 100% दूंगा तुम्हें, जो तुम्हें फ्रूटी चाउमीन का ना ये सब झूठ है, इसलिए इस बात मत लेना, ठीक है, सब झूठ है भाई, तुम्हारे गेम से लिखे मैंने 7th और 8th पीरियड, ठीक है, अब तुम किस सोचोगे वोट, तुम ही सोचो, पक्का, हाँ समझो मैं, सुमित भैया, सुमित भैया, सुधांशु भैया बोलने के लिए नहीं बोला है, उसकी बात सुनो एक बार, भाई और बहनों मैं तुम्हारा बड़ा भाई सुधांशु सिंह, क्लास 12th ए सेक्शन, मैं जीएम के लिए उठ रहा हूँ, ठीक है, इंटरवल में तू भाग नहीं जाती, वो तुम्हारे अय्यर तुम्हारे पास कुछ सामान या किसी चीज की प्रॉब्लम है क्लास में, वो हमें बोलना, जो किसी को पोटर समझ नहीं आता हमें बोलना, या हम प्रिंसिपल हमसे नहीं होगा तो हम प्रिंसिपल सर से बोलेंगे, है कि नहीं, किसको दोगे भैया, ऐसे नहीं बोलेंगे, सुमित को, अरे सुधांशु आएगा, सुधांशु को बोलना, बहुत सारी चीजें होती है, कोई सुधांशु से या मैम से नहीं कह पाते, इसलिए इनको बनाया जाता है कि ये तुम्हारी मदद कर सके, अगर तुमको चाहिए कि कोई हमारी मदद, हमारे पास तुम्हें हमारी पूरी नहीं है स्पोर्ट्स लेकर, बहुत बहुत हो गया, मैंने क्या अभी मेरे को यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक साल ही हुआ है, दूसरा साल चल रहा है, मैं मैंने चाहता देखा है बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, पूरा होना चाहिए, मैं चाहता हूँ अगर ये आएगा मेरे को चाहता लगता है ये पूरा कर देगा, सर से बात कर देगा, क्योंकि जहाँ पर बातचीत के मामले में ये ऐसी बातचीत पूरी कर देगा सर से, हमारा हमारा मेन टारगेट स्पोर्ट्स में यही बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुलाई के बाद गेम शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे गेम्स आएंगे, 50,000 गेम्स आएंगे, जान निकलना है, अगर गेम्स में निकल के तो अच्छा करियर बन सकते हैं, अगर आगे निकल सकते हैं उसके बाद कर सकते हैं गेम्स, आगे आप तुम्हारी मर्जी है, तुम किसको दिखाना, ये नहीं बोल रहे कि हम जबरदस्ती हमें बोर्ड देना, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसे चुनना चाहते हो ऐसे चुनना है, मतलब ऐसे नहीं कह रहे कि क्या बोलते कि हाँ सुमित भाई ने बोला तो सुमित भाई को देना, ऐसे चुनना